क्लास सिक्स चैप्टर 14 नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। न्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 14.4। आई विल डू क्वेश्चन फर्स्ट। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट एवी, मेक एनी पॉइंट एम ऑन इट थ्रू एन। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एबी, यूज रूलर एंड कंपास। ठीक है, किस किस का यूज करना है? दोनों का यूज करना है, रूलर का भी एंड कंपास का। तो इसका मीन्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी। ओके, और उस पर कोई भी एनी पॉइंट एम लेना है। ठीक है, कोई भी एनी पॉइंट एम ले लेंगे और उसको क्या करना है? ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर की पे परपेंडिकुलर है ए बी का। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो अभी देखिए सोल्व फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं जिसका नेम है ए बी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है ए बी, यह यहाँ पे ए नेम दे देंगे और यहाँ पे बी नेम दे देंगे। ठीक है, और बोला गया है कि जो एम पॉइंट है वो एनी पॉइंट है, तो आप लोग कहीं भी इसमें ले सकते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ए के पास लेना है या ए और बी के बिटवीन लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला, एनी पॉइंट बोला है। तो आप लोग अपने मन से कहीं भी यहाँ पे बना सकते हैं एम पॉइंट। ठीक है, एम पॉइंट इस तरीके से मैंने बना दिया। अब क्या करना है कि ए बी पर ये इसको परपेंडिकुलर बनाना है। अब ये देखिए परपेंडिकुलर मीन्स होता है, समझ लीजिए, परपेंडिकुलर मीन्स जैसे कि कोई ये लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसी लाइन बना दूँ, तो ये देखिए इस साइड से देखने पर ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इस साइड से देखेंगे तब भी ये लाइन सेगमेंट ही है। ठीक है, और तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर दोनों 90-90 के हैं तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मीन्स ये है। तो अब इसको अपन को ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाना है कि डायरेक्टली यहाँ पे ये इस तरीके से रूलर रखेंगे और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसको अपन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ए बी एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए कैंपस देखिए। अब यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कितना भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी ओपन कर सकती हैं गोटी, आप लोग जैसे भी चाहो, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने इतना ड्रॉ कर लिया, इतना ओपन कर लिया इसको। अब मैं इसको ये देखिए ध्यान से देखते जाना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ आप उसी को फॉलो कीजिए। इस पर इस तरीके से ज्वाइन किया पॉइंट को, और ये देखिए इस पर रखेंगे पेंसिल से, पेंसिल को इस पर रखकर बिल्कुल उसको ऐसे सर्कल में, ये देखिए इस तरीके से इसको बना लिया। गोटे इस पर रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया और इसको इस तरीके से यहाँ पे बना लिया। गोटे बात आई समझ में? अब इसको देखिए बिल्कुल अभी कंपास हिला नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल फॉलो करना है जैसे मैं बता रही हूँ। इस तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ा सा पेंसिल को इस पर रख के थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। थोड़ा सा ओपन कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा और अपने हिसाब से इतना ओपन कर लिया, कर लिया। अभी देखिए ये जो टू पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट, ठीक है, जितना अपन ने ये ओपन किया है इस पर रखेंगे कंपास और यहाँ पे आर्क लगा दिया। गॉट इट? अब इसी को बिना हिलाए इस पर रखा, इस पॉइंट पर रखकर यहाँ आर्क लगा दिया। ये क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ये जो पॉइंट क्रॉस हुआ, ये देखिए बिटवीन वाला पॉइंट जो क्रॉस हुआ है, यहाँ और वहाँ मैचिंग करना है। तो ये देखिए इस पर रखा, इस पर रखेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो बीच वाला जो पॉइंट है जो कट हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से लाइन बना दें। ये देखिए इस तरीके से लाइन सीधी आई है ना, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है आपको। डायरेक्टली रूलर रखकर लाइन नहीं ड्रॉ करना थी, इस तरीके से इसको बनाना है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। गॉट इट? तो इसमें बस इतना ही करना था। ओके, अगर आप लोगों को फर्स्ट ये वैसे आप लोग फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे ना तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। ओके, और जैसे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप लोग फॉलो करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड।
नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है. टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, मीन्स नॉट ऑन इट मीन्स उन्होंने खुद बोलकर दिया है कि आर जो पॉइंट है वो पी क्यू पर नहीं है, लाइन सेगमेंट पी क्यू पर नहीं है, इसके बाहर है. लाइन सेगमेंट पर अपन को आर पॉइंट नहीं लेना है. ठीक है, थ्रो आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ठीक है, उसके बाद में इसको परपेंडिक पी क्यू पर परपेंडिकुलर बनाना है. ठीक है, किस किस का यूज करना है उन्होंने बोलकर दिया है, रूलर एंड सेट स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करने वाले हैं अपन, एक लाइन सेगमेंट बनाना है पी क्यू और आर पॉइंट उसके बाहर लेना है. तो अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना दिए इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया. यहाँ पे नेम दे देंगे पी एंड क्यू, जैसे कि क्वेश्चन में को लगाया है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मतलब जो आर पॉइंट है वो पी क्यू पर नहीं है. ठीक है, तो आर पॉइंट अपन मैंने ले लिया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दूर पर ही आप लोगों को आर पॉइंट लेना है. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब क्या बोला कि परपेंडिकुलर बताना है. ठीक है, और मैंने परपेंडिकुलर का मीन्स आप लोगों को पता है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है कि भाई 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो अभी देखिए ये जो आर पॉइंट लिया है, अब ध्यान से देखते जाना, इस पॉइंट पर आप लोगों को ये कैंपस की नोक रखना है इस तरीके से, और इस लाइन के ध्यान से देखिए, लाइन को टच नहीं करना, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेना है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेना है. और ठीक है, ये देखिए समझ आया, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिया. अब जैसे जैसे वीडियो को देखते जाएंगे और बनाते जाना है आप लोगों को. ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा. तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा लेना है. तो ये देखिए इससे थोड़ा इस तरीके से कट करना है इसको. ये देखिए बात आई समझ में, इस पर रखेंगे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे. ठीक है, और इस लाइन से बाहर निकालते हुए यहाँ से डाउन में ले आएंगे. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अभी देखिए इसके बाद में क्या करना है, इसको आप लोग पॉइंट बना लेंगे और इसको भी पॉइंट बना लेंगे. ठीक है, आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ आई. इसके बाद में ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, इतना आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप. अब इसके बाद में इसको मीजर करना है. ये देखिए इन दोनों को इस तरीके से कंपास से इस तरीके से मैच किया. ठीक है, इतनी बात समझ, इन दोनों को इस तरीके से इतना ओपन कर लेंगे दोनों को मैच करते हुए. ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन में इन दोनों को ज्वाइन किया. ये देखिए अब इस पर रखें, इस पॉइंट पर यहाँ आर्क लगाया. ठीक है, इस पर रखा, यहाँ आर्क लगाया. ठीक है, बहुत आराम से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है बिल्कुल बिटवीन वाला जो कट हुआ है, ठीक है, इसको और इस पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं. गॉट इट, इतनी बात समझ आई. ये जो लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये क्या परपेंडिकुलर ही बताना था, तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर आ गया. ठीक है, ये देखिए पी क्यू पर ये परपेंडिकुलर आ गया, जैसे कि क्वेश्चन बोला गया था कि पी क्यू पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आ गया. गॉट इट, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन एल, एक लाइन एल है एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट, थ्रो एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ भी करना है एक्स वाई और परपेंडिकुलर टू एल. ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन एल, ठीक है, और एक्स वाई लाइन सेगमेंट होना चाहिए और एक्स वाई पर परपेंडिकुलर मीन्स जो एल पर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स वाई. गोट इट, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्स वाई, यूज करना है रूलर एंड कंपास का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना है एल. ठीक है, और जिस पर एक पॉइंट क्या है एक्स. तो अभी देखिए अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाना. ठीक है, ये थर्ड है अपना. तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है. ये देखिए एल. ठीक है,
यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना दिया और यहाँ पे एल राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस पर क्या लेना है, एक्स लेना है, तो यहाँ पे एक्स ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्या बताना है कि जो एक्स वाई है, ये देखिए जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई क्या है, एल पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बनाने के लिए, ठीक है, वही कंडीशन है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, अपने हिसाब से थोड़ा सा ओपन किया, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस पर पॉइंट रखेंगे और बिल्कुल ज्वाइन करते हुए ये इस तरीके से, ये देखिए एक ही बार बनना चाहिए, इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इतना करने के बाद इसको इतना ओपन करना है, ठीक है। आप इतना ओपन करने के बाद यहाँ से ये जो टू पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगाना है, फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड पॉइंट पर सेकेंड आर्क। इस तरीके से ये जो भी पॉइंट आएगा बिटवीन पॉइंट, इन दोनों आर्क पे जो कट हुआ है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एनी पॉइंट वाई लेना है, सेम कंडीशन पर। यहाँ पे वाई ले लिया, सेम कंडीशन क्या होगी, सेम कंडीशन पर ऐसे ही आर्क ड्रॉ करना है जिस तरीके से एक्स पर किया है। कंपास ऐसे ही ओपन करेंगे हल्का सा और यहां से ज्वाइन करती है, यहां से वन आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब सेम कंडीशन क्या है कि यहां से बिल्कुल ओपन करके यहां से इतना लेना है। सेम कंडीशन पर जैसे कि एक्स पे किया था, यहां से आर्क फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड पॉइंट पर सेकेंड आर्क। अब ये जो बिटवीन पॉइंट है और जो वाई पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। जो एक्स लाइन सेगमेंट पर एक्स वाई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैंने बताया कि परपेंडिकुलर मींस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जिस तरीके से ये एक्स वाई परपेंडिकुलर आया और ये जो वाई पर परपेंडिकुलर है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल पैरेलल आ गया। पैरेलल मींस होता है बिल्कुल सेम लाइन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल इस तरीके से ये लाइन आ गई है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14.4। थैंक यू।